उत्तर भारत में लगातार मौसम च वड्डी तब्दीली वेखण नूं मिल रही है। बीते एक हफ्ते के दौरान पंजाब भर के लोगों को तिखी गर्मी का सामना करना पिया। इन्हां दिनों विच दौरान गर्म हवावां भी चलदियां रहियां। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी मौसम विभाग के विज्ञानी डॉक्टर कुलविंदर कौर ने कहा कि बीते दिनों विच लू चलण नाल पारे दे विच भी वाधा दर्ज किया गया अते लुधियाने विच बीते दिन दे विच पारा 35 डिग्री तो लैके 38 डिग्री तक रहा है। उन्हां यह भी कहा कि इस मौसम तो हुण आउंदे दिनां च लोगों नूं निजात मिलेगी पर किसानां नूं जरूर सुचेत होण दी लोड़ है। पिछले दिनों की जो आप गल करिए आप कह सकते हैं कि हीटवेव जिहड़ी कंडीशनस पंजाब दे विच चल रही सीगियां क्योंकि टैंपरेचर काफ़ी हाई सीगे। साडे रिकॉर्ड दे विच जिवें 38 डिग्री तक जिहड़ा टैंपरेचर आ पहुँच चुकिया सीगा। वैसे देखा जाए तो यह नॉर्मल नालों टैंपरेचर ज़्यादा हैगा पर जे आप पिछले रिकॉर्ड की गल करिए साडे कोल 1999 के 2000 के 40 डिग्री तक भी टैंपरेचर जिहड़ा रिकॉर्ड किया गया। सो इस करके आप तो नहीं कह सकते कि कोई मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वैदर कंडीशनस रही ने। यह जरूर हैगा कि हीटवेव है क्योंकि जो टैंपरेचर 4 to 5 डिग्री नॉर्मल नालों ज़्यादा हुंदा है तो आपां नूं हीटवेव कंडीशनस कह दिंदे आ। पर हीटवेव कंडीशनस दे विच भी कोई मॉडरेट है सवीयर है इस टाइप दीआं कैटेगरीज हुंदीआं। सो हले सवीयर हीटवेव कंडीशनस नहीं आई हैं क्योंकि उहदे नाल टैंपरेचर 6 to 7 डिग्री जिहड़ा नॉर्मल नालों ज़्यादा होना चाहिए जिहड़ा कि हले तक नहीं पहुँचा। मौसम दे विच बदलाव की गल की जाए तो आने वाले दिनों बारिश की भी संभावना है, लगता है कि जिदा गर्मी लगातार बढ़ रही है थोड़ी बहुत लोगों को राहत मिलेगी। हाँ बिल्कुल, जिस तरह अज भी आप देख रहे हैं कि हवा चल रही है जिहड़ियां नॉर्थ वेस्टरली विंडस ने वो पंजाब दे विच इफेक्ट कर रही ने और आने वाले दे दिनों दे विच जिस तरह 16 to 18 की भी जिहड़ी मौसम विभाग वालों चेतावनी दी गई है कि टैंपरेचर फॉल करनगे और तेज़ हवावां चलन की भी संभावना हैगी है और कितने तो छिट्टे भी पै सकते हल्की बारिश भी हो सकती है। सो ये भी जिहड़ा 16 to 18 वाला ईवेंट हैगा सारे पंजाब दे विच ही इहदा जिहड़ा असर देखण नूं मिलेगा जिहदे नाल कि आपां नूं हीटवेव तो छुटकारा मिलेगा पर नाल दी नाल जिहड़े किसान वीर आ उहनां नूं भी इहे असीं सलाह दिंदे आ कि जिहड़ी कणक की वाढ़ी है जां जिहड़ी कोई थ्रैशिंग हो रही है उन्हों 1-2 दिन डिले किया जाए क्योंकि जिहड़ा मौसम है वह खराब होने वाला है। सो उहदे नाल जिहड़ा अपना जिहड़े खेती धंदे आ उस हिसाब नाल ही उलीके जाण। मैम मेरा आखिरी सवाल है जिवें कणकां दी वाढ़ी चलदी पई है कणकां पक्कियां होईयां ने ज़्यादातर असीं देखिया कि जदों बारिश हुंदी है ते नाल हवा चलदी है ते उस नाल किसानां दा ज़्यादा नुकसान हुंदा है तां जिहड़ा 16 to 18 तरीक दे विच मौसम रहेगा उह इसे तरह रहेगा बारिश दे नाल तेज़ हवा चलण दे भी आसार है। हाँ जी बिल्कुल, तेज़ हवा की संभावना हैगी है जिवें 40 to 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब नाल जिहड़ियां नेरी उह चल सकती है और छिट्टे भी पै सकते हैगे है। सो जे तां कणक वड्डी होगी उहदे ते नुकसान ज़्यादा होगा। सो यही आपां मतलब कह सकते हैगे कि जिहड़ी हले कणक की वाढ़ी है उहनूं थोड़ा लेट किया जाए और जिहड़ी मतलब जिहड़ी पक चुकी है जिवें आपां वाढ़ी हो चुकी है जिहड़ी फसल की जिवें सरों की भी हो सकता किसान वीरां ने वाढ़ी कर ली होवे तां उहनां नूं कितें सुरक्षित थां ते जरूर रख्या जाए क्योंकि जदों बारिश की संभावना हैगी है तां जिहड़ी पई खेत दे विच फसल हैगी है उहनूं नुकसान हो सकता है। सो उहनूं किसी सुरक्षित थां ते रख्या जाए शैड हेठ रख्या जाए या उत्थे ही उन्हों तरपाल पा के संभालिया जाए क्योंकि ये जिहड़ी 16 to 18 बारिश की संभावना हैगी है इहदे नाल फसल नूं इस तरह का नुकसान होने की संभावना है। लुधियाना तो प्रदीप भंडारी की खास रिपोर्ट।